हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्वान इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, मैं एक फैकल्टी हूं और एक माइंड ट्रेनर हूं। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 की। क्या आप कंपनीज एक्ट 2013 के सारे सेक्शंस को लर्न करना चाहते हैं, लेकिन परेशान है कि सर कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस को कैसे लर्न करें? अगर आप कंपनीज एक्ट के सभी सेक्शंस को लर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानिए कि हम कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस को कैसे लर्न कर सकते हैं। अलग अलग टीचर्स कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को लर्न करने के लिए अलग अलग एडवाइसेस देते हैं। कुछ फैकल्टीज कहते हैं कि आप रोज 10-10 सेक्शंस लर्न करो तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। कई टीचर्स ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप कंपनीज एक्ट के सेक्शंस की एक लिस्ट बनाकर दीवार पे लगा लो और उसको लर्न करो तो आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। कई टीचर्स ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि आप रोज रोज अगर आप लर्न करोगे सेक्शंस को तो आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी टेक्निक काम करने वाली नहीं है। अगर आप कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को इंडिविजुअली लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा फेल होंगे। अगर आप कंपनीज एक्ट के सभी सेक्शंस को लर्न करना चाहते हैं तो आपको पहले उनको ग्रुप्स में याद करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं और उन 470 सेक्शंस को 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। हमें पहले याद करना पड़ेगा कि पहले से लेकर 29 चैप्टर तक कितने चैप्टर्स के क्या नाम हैं, उनमें कितने से कितने तक सेक्शंस हैं। अगर हम ये लर्न कर सकते हैं तो फिर हमें सेक्शंस को लर्न करने में बहुत आसानी होगी और सेक्शंस को आसानी से लर्न किया जा सकता है। मैं आज इस लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा कि हम कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स को कैसे लर्न करें और उनमें कौन कौन से सेक्शंस कौन कौन से चैप्टर्स में है वो कैसे लर्न करें, तो वो टेक्निक्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा। आज मैं जिस लर्निंग टेक्निक की आपसे बात करने वाला हूँ उस लर्निंग टेक्निक को बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम वर्ड्स को पिक्चर्स के थ्रू, वर्ड्स को लेटर्स के थ्रू, अल्फाबेट्स के थ्रू या किसी स्टोरी के थ्रू एसोसिएट कर देते हैं और उस स्टोरी को लर्न करके हम उसको रिलेट करते हैं उस कॉन्सेप्ट से और वो कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाता है। ऐसा हमने बहुत बार अपने एग्जाम टाइम में, अपने स्कूल टाइम में हमने किया है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, तो सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो के लिए मैंने क्या टेक्निक यूज किया था, मैंने उसके लिए निमोनिक यूज किया था विप क्योर। विप क्योर का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसे ही अगर मैंने एनवायरमेंट की बात करी थी तो सर एक्सटर्नल एनवायरमेंट को लर्न करने के लिए मैंने यूज किया था पेस्टल। मैंने निमोनिक बनाया था पेस्टल और पेस्टल के साथ मैंने लर्न किया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल। हमने प्लैनेट्स के नाम याद करने के लिए एक स्टोरी बनाई थी दैट माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ऐसा करते-करते हमने बहुत सारे निमोनिक्स को यूज करते हुए हमने कॉन्सेप्ट्स को याद किया था। मैं इसी टेक्निक को आज आपको यूज करके बताऊंगा कि हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, अपने कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को हम कैसे चैप्टर्स के नाम को याद कर सकते हैं और हम कैसे सेक्शंस को लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक। निमोनिक सेट करने के लिए आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा उतने ही अच्छे आप निमोनिक बना पाएंगे और वो निमोनिक को लर्न करना उतना ही आसान हो पाएगा। एक बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो ये आती है कि वो निमोनिक्स के अंदर मीनिंग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिए, निमोनिक एक लर्निंग टेक्निक है। इसके थ्रू हम चीजों को लर्न कर रहे हैं, हम चीजों को समझ नहीं रहे, इसलिए हम निमोनिक्स के अंदर मीनिंग ढूंढने की कोशिश ना करें। मैंने आपके लिए इसके अंदर निमोनिक्स बनाए हुए हैं। इससे पहले कि हम निमोनिक्स की तरफ बढ़े आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शंस के निमोनिक बनाना बड़ा मुश्किल है। सेक्शंस नंबर्स में दिए होते हैं और नंबर्स के अंदर निमोनिक बनाने बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए पहले हमें इन नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे सारे के सारे अल्फाबेट्स के आगे एक नंबर देना पड़ेगा। मुझे नंबर्स को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करने के लिए A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, E को 5 और ऐसे करते करते मुझे Z तक 26 तक नंबर्स करने हैं। और ना ही सिर्फ इनको बनाना है, इनको लर्न भी करना है। एक बार मैं ये लर्न कर लेता हूँ कि A, B, C, D, E, F, G न्यूमेरिकली मेरे लिए क्या है, तो मैंने नंबर्स को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इन्हीं अल्फाबेट्स का मैं निमोनिक बना सकता हूँ। मैंने इस वीडियो में नंबर्स को अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करके उनके निमोनिक बनाए। आइए देखते हैं चैप्टर वाइज कि कैसे हम इसके निमोनिक बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है पहला।
तो आपको इसका चैप्टर का नंबर याद रखना पड़ेगा प्रिलिमिनरी से. दैट इज प्रिलिमिनरी का मतलब होता है पहला, और चैप्टर वन पहला चैप्टर इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी. इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ दो सेक्शन है, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू. तो इसके लिए मुझे खास कोई निमोनिक बनाना नहीं पड़ेगा, ये तो मुझे इजीली याद हो सकता है. सर चैप्टर वन दैट इज प्रिलिमिनरी एंड इसके अंदर सिर्फ दो सेक्शन है, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू. बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज की. चैप्टर 2 के अंदर टोटल 20 सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक. अब हम इसको कैसे याद रखें? पहली बात, आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि जनरली कंपनी दो तरीके की हो सकती है, या तो प्राइवेट कंपनी होगी या वो पब्लिक कंपनी होगी. तो दो चैप्टर 2 आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज. एंड इनकॉर्पोरेशन दो तरीके की कंपनीज का हो सकता है, या तो प्राइवेट कंपनी का हो सकता है या पब्लिक कंपनी का हो सकता है. तो चैप्टर 2 इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. इसके अंदर हमने जो सेक्शंस हैं वो हमने कैसे लर्न करने हैं? सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक मैंने इसको याद करना है ऐसे, मैंने 3 के लिए अल्फाबेट दिया सी और मैंने 22 के लिए अल्फाबेट दिया वी. तो इसका मेरा एक निमोनिक क्या बन सकता है? सी वी. मैंने कहा कि सर कंपनीज दो तरीके की हो सकती हैं, या तो प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी. जैसी कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे उस कंपनी के अंदर आप अपना सीवी दे देंगे. तो सीवी से हम इसको याद कर सकते हैं चैप्टर 2. तीसरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस बात करता है सेक्शन 23 से लेकर 42 तक. इसके अंदर टोटल 20 सेक्शंस हैं. प्रोस्पेक्टस को याद करने के लिए हम कैसे निमोनिक बना सकते हैं? एक बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि सर जब मेरी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मेरी कंपनी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुई तो मेरा इशू फेल हो सकता है, मेरा काम बिगड़ सकता है. तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं सर, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 दैट इज प्रोस्पेक्टस. कि कौन से चैप्टर के अंदर मेरा काम बिगड़ सकता है? दैट इज प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता तो मेरा काम बिगड़ सकता है. तो आप इसको चैप्टर 3 को ऐसा याद कर सकते हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा से. अब हम बात करते हैं सर सेक्शंस को कैसे लर्न करें. तो मैंने बताया आपको ये सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 42 तक है. 23 के लिए कौन सा वर्ड आता है? 23 के लिए आता है W. एंड 42 के लिए कौन सा वर्ड आता है? सर 42 के लिए तो कोई वर्ड है ही नहीं, तो इसके लिए मुझे दो अल्फाबेट्स लेने पड़ेंगे. 4 के लिए मुझे लेना पड़ेगा D और 2 के लिए मुझे लेना पड़ेगा B. तो इसका बन गया निमोनिक WDB. WDB को मैं कैसे याद रखूं? सर वो डॉक्यूमेंट जो बताता है कि कंपनी क्यों पैसा रेज कर रही है, वो डॉक्यूमेंट जो बताता है WDB. तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं. फिर हमारा आता है चैप्टर 4, दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के अंदर टोटल 30 सेक्शन है, सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 72 तक. अब इसको कैसे याद रखें सर, चैप्टर 4 कैसे लर्न करें? आपको पता है कि सर जब हमारी कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को फंड्स आते हैं, और जैसे ही कंपनी के पास फंड्स आते हैं तो कंपनी में 4 चांद लग जाते हैं. ऐसा करके हम इसको लर्न कर सकते हैं कि सर पैसा आता ही कंपनी में 4 चांद लग गए. तो इसका चैप्टर 4 से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि सर 4 चांद कब लगते हैं? जब मेरे पास शेयर कैपिटल से पैसा आए या डिबेंचर से पैसा आए. तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर. अब बात रही सेक्शंस की, मैंने आपको बताया सर इसके अंदर सेक्शन स्टार्ट होते हैं 43 से लेकर 72 तक. 43 के लिए हमने वर्ड्स क्या बनाए? 43 के लिए वर्ड्स हमने बनाए DC. And 72 के लिए हमने बनाया GB. तो हमने इसके लिए निमोनिक सेट कर लिया DCGB. That means debt capital grow business. Debt capital grow business. तो इसको चैप्टर 4 को लर्न करने के लिए बहुत आसान है. चैप्टर 4 दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. जैसे ही शेयर कैपिटल और डिबेंचर आएगा मेरे पास 4 चांद लग जाएंगे. और DCGB डेट कैपिटल ग्रोज बिजनेस सेक्शन 43 से लेकर 72 तक. 5 है मेरा acceptance of deposit. Acceptance of deposit के अंदर सिर्फ 4 ही sections हैं, section 73 से लेकर section 76 तक. अब 5, section 5 मुझे कैसे learn करना पड़ेगा? Sir, acceptance of deposit. आप deposit कैसे लेंगे? Sir, deposit आप हाथ से लेंगे. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को deposit दे रहा है. आप ऐसे इसको visualize कर सकते हैं कि मैं कैसे डिपॉजिट ले रहा हूं, हाथ से ले रहा हूं. सर हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं. तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सर चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू acceptance of deposit. और इसके अंदर जो sections आपके 73 से लेकर 76 तक हैं, इसके लिए हमने mnemonic set किए हैं GC, GF.
क्योंकि 73 के लिए जी, 3 के लिए सी, तो जी सी जी एफ ऐसे करके हमने निमोनिक सेट किया है। इसका निमोनिक ये हो सकता है गेट कैश गेट फायदा, जब हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जब हम कैश लेंगे तो उससे हमारी कंपनी को फायदा होगा, गेट कैश गेट फायदा। तो चैप्टर 5 आपका बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से। चैप्टर 6 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की। इसके अंदर टोटल 11 सेक्शंस हैं, सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 87 तक। सर चार्ज को याद करने के लिए हम क्या निमोनिक बना सकते हैं? चैप्टर 6 आपको याद रखना है, जब भी कोई बैट्समैन सिक्स मारता है तो ऑडियंस और चीयर गर्ल्स चार्ज हो जाती हैं। चार्ज से आपको याद रखना है, जब सिक्स मारता है तो चीयर गर्ल्स और ऑडियंस चार्ज हो जाती है, तो सेक्शन 6 इज रिलेटेड टू चार्ज। अब सर सेक्शंस को कैसे याद करें? सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 तक। 77 के लिए निमोनिक बनता है जीजी और 87 के लिए बनता है एचजी। अब सर जीजी एंड एचजी आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप ध्यान दें तो आपके चार्ज के अंदर चार इंपॉर्टेंट बातें हैं, दैट इज प्लेज, मोर्टगेज, हाइपोथिकेशन एंड चार्ज। तो प्लेज और मोर्टगेज के आप पीछे देखेंगे तो जीजी आ रहा है, प्लेज एंड मोर्टगेज जीजी, और हाइपोथिकेशन का हमने एच लिया और चार्ज के पीछे फिर जी आ रहा है, तो जीजी एचजी, दैट इज 77 से 87 तक। चैप्टर 7 बात करता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। चैप्टर 7 के अंदर टोटल 35 सेक्शंस हैं, सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 122 तक। अब सर इसको कैसे लर्न करें? चैप्टर 7 इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसके लिए एक निमोनिक बना सकते हैं कि सर हमने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लोग अपॉइंट किए वो फॉरेन कंट्री से अपॉइंट किए, उनको हमने फॉरेन कंट्री से बुलवाया, माने 7 समंदर पार से बुलवाया। तो 7 से हम रिलेट कर सकते हैं कि सर 7 समंदर पार से हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए जो लोग अपॉइंट किए उनको 7 समंदर पार से बुलवाया। अब बात आती है सर सेक्शंस की। सर सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 122 तक हमें इसकी बात करता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। 88 के लिए हमने बनाया HH और 122 के लिए हमने बनाया LB। तो HHLB इसका निमोनिक बन सकता है। इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? HHLB, हम ही लाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दरअसल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं कि चैप्टर 7 इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो हमने 7 समंदर पार से बुलाया चैप्टर 7, और हम ही लाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर HHLB, दैट इज शेयर होल्डर्स ही लाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे करके हम चैप्टर 7 को लर्न कर सकते हैं। चैप्टर 8 बात करता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की। इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 सेक्शन हैं, सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 127 तक। अगर आप 8 को बनाकर देखें तो 8 जब आप बनाएंगे तो पेन घूम घूम कर एक ही जगह पर वापस आता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमें हर साल करना पड़ता है, एवरी ईयर हमें करना पड़ता है। सर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर सेक्शन 123 के लिए हमने वर्ड्स डाले LC, 12 के लिए L एंड 3 के लिए C, और ऐसे ही 127 के लिए हमने बनाया LG। तो इसके लिए निमोनिक्स बन गया हमारा LC LG, दैट इज अगर हमें कम प्रॉफिट्स होंगे तो हमें कम डिविडेंड मिलेगा, लेस गेन लेस कैश। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, लेस कैश LC लेस गेन। तो चैप्टर 8 बात करता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की। चैप्टर 9 बात करता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी की। इसके अंदर टोटल 11 सेक्शन हैं, सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138 तक। चैप्टर 9, आप जानते हैं कि अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर अकाउंट्स नहीं बनेंगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी। इसके लिए कहावत शायद आपको आपने सुनी होगी, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अगर अकाउंट्स नहीं होंगे तो कंपनी ठीक से चल नहीं पाएगी। और फिर आते हैं इसके सेक्शंस। सेक्शन 128 के लिए हमने बनाया LH और सेक्शन 138 के लिए हमने बनाया MH। LH के लिए आप बना सकते हैं निमोनिक्स की लॉस होगा या मुनाफा होगा, LH या MH, लॉस होगा या मुनाफा होगा। ऐसा करके हम अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं? हम अकाउंट्स इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम ये जान पाएं कि कंपनी को लॉस होगा या कंपनी को मुनाफा होगा। तो ऐसे करके आप अकाउंट्स के निमोनिक्स बना सकते हैं। चैप्टर 10 बात करता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स की। इसके अंदर 10 सेक्शंस हैं,
सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक। अब इसके क्या नोमोनिक्स बन सकते हैं? सर, ऑडिटर को हर बात 10-10 बार बतानी पड़ती है। हम ऐसे करके उसको याद कर सकते हैं कि सर ऑडिटर का सेक्शन इज 10। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को हर बात 10-10 बार बतानी पड़ती है। और फिर आते हैं सेक्शंस पर। सेक्शन 139 दैट इज MI एंड सेक्शन 148 दैट इज NH। तो MINH इसका न्यूमॉनिक बन गया। इसको लर्न कैसे करें? MINH, मैं इनको नहीं हटाऊंगा। हम ऑडिटर्स को ऐसे याद कर सकते हैं सर, पहली बात ऑडिटर्स को हर बात 10-10 बार बतानी पड़ती है, फिर इनको मैं इनको नहीं हटाऊंगा, MINH करके हम इनके निमोनिक्स याद कर सकते हैं। चैप्टर 11 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। इसके अंदर टोटल 24 सेक्शंस हैं, सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 172 तक। चैप्टर 11 को हम कैसे याद कर सकते हैं? दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सर शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके 9-2-11 हो गए। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया और उसके बाद शेयर होल्डर्स 9-2-11 हो गए, वो चले गए और उसके बाद डायरेक्टर्स कंपनी को संभाल रहे हैं। इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके 9-2-11 हो गए। लेकिन इसके सेक्शंस की बात करते हैं सर। इसके सेक्शंस स्टार्ट होते हैं 149 से लेकर 172 तक। 149 के लिए हमने निमोनिक्स बनाए NI एंड 172 के लिए हमने निमोनिक्स बनाए QB। NIQB शेयर होल्डर इनको अपॉइंट करके 9-2-11 हो गए एंड इनकी क्वालिफिकेशन बता गए NIQB करके हम इनके निमोनिक्स याद कर सकते। चैप्टर 12 बात करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड्स। इसके अंदर हमारे 23 सेक्शंस हैं, सेक्शन 173 से लेकर 195 तक। सर इसको कैसे याद कर सकते हैं कि चैप्टर 12 मीटिंग ऑफ बोर्ड है? सर मीटिंग ऑफ बोर्ड जनरली 12:00 होती है, तो 12 से इसको हम याद रख सकते हैं कि सर मीटिंग ऑफ बोर्ड कितने बजे होती है? सर 12:00 मीटिंग होती है। और इसके सेक्शंस को लर्न करने के लिए हमने न्यूमोनिक सेट करने पड़ेंगे। सेक्शन 173 के लिए हमने न्यूमोनिक सेट किया QC और सेक्शन 195 के लिए हमने न्यूमोनिक सेट किया SE। आप मुझे बताइए कि सर जो मीटिंग ऑफ बोर्ड होती है उसके अंदर क्या होता है? सर मीटिंग ऑफ बोर्ड के अंदर सबसे पहले कोरम होती है, उसके बाद सर चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है और सब एक दूसरे से बात करते हैं। तो QCSE, कोरम, चेयरमैन और सब एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसे करके इसका निमोनिक सेट किया जा सकता है। चैप्टर 13 बात करता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन की। सर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन के अंदर टोटल 10 सेक्शंस हैं। इनके सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 196 से लेकर 205 तक। आपको पता है सर मैनेजरियल पर्सन हमारे होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे मैनेजर्स, इनको बोलते हैं मैनेजरियल पर्सन। आप देखेंगे कि सर कंपनी के अंदर सारा का सारा कंट्रोल इनका होता है। तो इनका चैप्टर 13 हमें कैसे याद करना पड़ेगा? सब कुछ 13, क्योंकि इनका सारा का सारा कंट्रोल इनका होता है। तो सब कुछ 13 चैप्टर 13 से वी हैव टू लर्न इट। दूसरी बात सर, इनके सेक्शन है 196 से लेकर 205 तक। 196 के लिए मैंने न्यूमोनिक सेट किया SF और 205 के लिए मैंने न्यूमोनिक सेट किया TE। SFTE से हम बना सकते हैं कि सर सारे फंड्स तो इनके नहीं हैं। माना सब कुछ 13 बट सारे फंड्स तो इनके नहीं हैं। ऐसा करके हम इसका न्यूमोनिक सेट कर सकते हैं। चैप्टर 14 बात करता है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की। इसके अंदर भी टोटल 24 सेक्शंस हैं, सेक्शन 206 से लेकर सेक्शन 229 तक बात करते हैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब सर कैसे लर्न करें सेक्शन चैप्टर 14 इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का है? एक पुराने जमाने की कहावत है, अगर कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन लगते हैं। ठीक इसी तरीके से हम उसको लर्न कर सकते हैं कि अगर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन हो तो चैप्टर 14 के अंदर होती है। याद रखिए इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के सेक्शंस मैंने आपको बताए शुरू होते हैं 206 से लेकर 229 तक। तो 206 के लिए हम क्या डालेंगे सर? TF। 206 के लिए हमने बनाया TF एंड 229 के लिए हमने बनाया VI। तो कैसे इसको लर्न कर सकते हैं? TFVI, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन क्यों होती है सर? टू फाइंड वेरियस इश्यूज,
क्यों करवा रहे हैं हम इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड वेरियस इश्यूज, ऐसे करके हम इसको लर्न कर सकते हैं। चैप्टर 15 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 15 बात करता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स के अंदर टोटल 11 सेक्शन हैं। सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 240 तक बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सर कैसे लर्न करें कि चैप्टर 15 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का है? आप सब जानते हैं कि सर 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और इंडिया का पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हुआ था। ऐसे करके हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि सर चैप्टर 15 को 15 अगस्त से हम रिलेट कर सकते हैं, सर चैप्टर 15 इज रिलेटिंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। फिर हम बात करते हैं इसके सेक्शंस की। इसके सेक्शंस के अंदर हम बात करें तो सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 240 तक बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की। 230 के लिए हमने निमोनिक बनाया W0 एंड 240 के लिए हमने निमोनिक बनाया X0। आप जानते हैं कि जितनी एक कंपनी की वेल्थ होती है उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट उतनी ज्यादा होती है। अगर उस कंपनी की वेल्थ जीरो होगी तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के दौरान उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी जीरो होगी। तो W0 X0 ऐसे करके हम इसका निमोनिक बना सकते हैं कि अगर सर इसकी वेल्थ जीरो होगी तो इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी जीरो होगी। चैप्टर 16, 17, 18, 19 and 20 के लिए मेरे पास एक कहानी है, उस कहानी से हमें ये सारे के सारे चैप्टर्स लर्न हो जाएंगे। आप सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, एक 17 साल के लड़के ने उसको छेड़ा। जब वो लड़का 18 साल का हुआ तो उसके बाप ने उसका नाम जायदाद से काट दिया। जब वो लड़का 19 साल का हुआ तो उसे रिहैबिलिटेशन सेल में डाला गया। और जब वो लड़का 20 साल का हुआ तो ये जो सारा केस उसके ऊपर चल रहा था ये सारा केस वाइंड अप हो गया। तो इस तरीके से हम चैप्टर्स को लर्न कर सकते हैं। अब मैं इस स्टोरी के अंदर चैप्टर्स को डालकर आपको दिखाता हूं। चैप्टर 16, एक 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। चैप्टर 16 इज रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। एक 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, किसने किया? 17 साल के एक लड़के ने किया, दैट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। 17 साल का वो जो लड़का था, ऐसा याद कर सकते हैं कि ही इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। 18 साल का जब वो हुआ तब उसका नाम उसके बाप ने जायदाद से काट दिया, that is removal of name from register of companies. उसके बाप ने उसका नाम जायदाद से काट दिया, removal of name from register of companies. जब वो 19 साल का हुआ तो उसे rehabilitation cell में डाला गया, that is rehabilitation and revival of companies. और जब वो 20 साल का हुआ तो जो केस चल रहा था वो wind up हुआ, that is chapter 20 is relating to winding up of the companies. आइए इनके sections learn करते हैं। चैप्टर 16 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की। इसके अंदर टोटल 6 सेक्शन हैं और सेक्शन 241 से लेकर सेक्शन 246 तक इसके अंदर सेक्शन हैं। सर ये तो याद कर लिया कि 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ। बट अभी हमें इसके सेक्शन लर्न करने हैं। सेक्शन 241 के लिए हमने याद किया XA और सेक्शन 246 के लिए हमने याद किया XF। इसको कैसे याद करते हैं? सर आप जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर एनसीएलटी तभी एक्शन ले सकता है जब कोई एप्लीकेशन लगाएगा। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन नहीं लगाया तो कोई फाइन भी नहीं होगा। तो क्रॉस ए क्रॉस एफ, दैट मींस इफ नो एप्लीकेशन देन नो फाइन। तो एक्स ए एक्स एफ, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चैप्टर 17 बात करता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 247। सेक्शन 247 को अगर मैं वर्ड्स में कन्वर्ट करूंगा तो इसका आएगा XG। सर हमें याद करना है कि हमने इसका क्या निमोनिक बनाया था। हमने याद किया था कि एक 17 साल के लड़के ने छेड़ा एक 16 साल की लड़की को। वो जो 16 साल की लड़की को छेड़ा वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, XG। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, सेक्शन 247। इसमें वैसे एक ही सेक्शन है। चैप्टर 18 बात करता है रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम ROC की। चैप्टर 18 के अंदर सिर्फ 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन 248 से लेकर सेक्शन 252 तक। सेक्शन 248 के लिए हमने क्या वर्ड्स बनाए? हमने वर्ड्स बनाए XH और सेक्शन 252 के लिए हमने वर्ड्स बनाए YB।
तो अब हम इसका क्या निमोनिक सेट कर सकते हैं? आप जानते हैं कि मैंने बताया था बाप ने उसका नाम अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, दैट इज रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम आरओसी। बेटे ने अपने बाप को बताया कि जिसको मैंने छेड़ा था वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। बाप ने कहा एक्स हो या बहन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तेरा नाम जायदाद से काटूंगा ही काटूंगा। तो एक्स हो या बहन हो, ऐसा करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। थोड़ा फनी है मगर ऐसा भी किया जा सकता है। चैप्टर 19 बात करता है रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कंपनीज। मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर आपका कंपनीज एक्ट 2013 से ऑमिट हो चुका है, ये चैप्टर अब नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सेक्शंस याद कर लेंगे तो अगले चैप्टर के सेक्शंस याद करने में आसानी होगी। सर इसके सेक्शन स्टार्ट होते हैं 253 से 269 तक। 253 के लिए हम क्या निमोनिक बना सकते हैं? YC। 253 के लिए YC एंड 259 के लिए हम बना 269 के लिए हम बना सकते हैं ZI। तो YC ZI आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर ओमिटेड है, आप कह सकते हैं ये चैप्टर जरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर जरा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से हम इसके निमोनिक्स बनाकर इसको याद कर सकते हैं। चैप्टर 20 बात करता है वाइंडिंग अप की। वाइंडिंग अप के अंदर टोटल 96 सेक्शन है, सेक्शन 270 से लेकर सेक्शन 365 तक। सर हमें याद करना बड़ा आसान हो जाएगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 डेज होते हैं और इन 365 डेज में से हम सिर्फ 270 डेज काम करते हैं। आप इसको ऐसा करके याद कर सकते हैं, निमोनिक बनाकर इसको लर्न कर सकते हैं। तो वाइंडिंग अप के सेक्शंस कहां से कहां तक हैं? 270 से लेकर 365 तक। कैसे लर्न करेंगे? 365 डेज होते हैं इन अ ईयर और इसमें से हम सिर्फ 270 डेज काम करते हैं। इन सभी निमोनिक्स को आपको टेबुलर फॉर्म में पहले एक पेज पर लिख लेना पड़ेगा। रिपीटेटिवली जब आप इसको याद करेंगे तो आपको कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे चैप्टर्स अलोंग विद उनके सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। एक बार आपको चैप्टर्स अलोंग विद सेक्शंस लर्न हो जाएं तो आपको सेक्शंस को इंडिविजुअली लर्न करने के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। आप छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप चैप्टर 17 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें सिर्फ एक सेक्शन है। फिर आप चैप्टर 1 उठा सकते हैं, उसमें सिर्फ दो सेक्शंस हैं। चैप्टर 5 के अंदर सिर्फ चार सेक्शंस हैं। चैप्टर 8 के अंदर और चैप्टर 18 के अंदर सिर्फ पांच सेक्शंस हैं। आप ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके सेक्शंस को लर्न कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक साथ अगर सारे के सारे सेक्शंस को लर्न करने का प्रयास करेंगे तो वो प्रयास मुझे लगता है कि सफल नहीं हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसमें कमेंट के थ्रू हमें अपने व्यूज बताएं। आप और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में हमें टेक्स्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में चैप्टर वाइज मैं कुछ सेक्शंस को लर्न करने की आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा। वो ट्रिक्स और टेक्निक्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।